हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे यूटीआई की इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड में वैकेंसी के बारे में। इसमें आपकी जो वैकेंसी है इंडियन सिटीजन की है, वाइस प्रेसिडेंट की है, अकाउंटेंट की है, सिविल इंजीनियर और ह्यूमन रिसर्च की रेगुलर बेस की वैकेंसी है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी निकली भर्ती के बारे में। तो ये आपको ये आपके इसके यूटीआई की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पे आपको करियर ऑप्शन में ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट आपका सिविल इंजीनियर, वाइस प्रेसिडेंट आपका ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसी है, ठीक है। इसके हम ऑप्शन नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यूटेन इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड की वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे चार्टेड अकाउंट्स आप सिविल इंजीनियर ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसी है, रेगुलर बेसिस पे है। यहाँ पे आपका डिटेल ऑफ पोस्ट और वैकेंसी की यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिसिप्लिन चार्टेड अकाउंट की वाइस प्रेसिडेंट सीए, जिसमें आपका मैनेजर एंड लीड टीम मैनेज आपका फाइनेंशियल सिस्टम एंड बजट अंडरटेकिंग फाइनेंशियल ऑडिट और प्रोविजन आपका फाइनेंशियल एडवाइस लीज एंड कैंट विद क्लाइंट की है, ठीक है। यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल आप दे सकते हैं। 50 आपकी एज रखी गई 20/2/2021 के अनुसार। मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायरमेंट है 12 साल का आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए विद ए मीडियम लार्ज साइज ऑफ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे स्केल आप दे सकते हैं 34 से लेकर यहाँ पे आपका 34 से लेकर आपका रहेगा, ठीक है। सीटीसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 8 लाख समथिंग, यहाँ पे 22 लाख, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और डिसिप्लिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी पूरी जानकारी आ रही है इसके बारे में, आप डिसिप्लिन को आप जॉब डिस्क्रिप्शन और एक्सपीरियंस के यहाँ पे आप पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर की, वाइस प्रेसिडेंट की। बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियर एज ए रेगुलर स्टूडेंट, डिजायरेबल मास्टर डिग्री इन इंजीनियर एंड अबव, ऑल क्वालिफिकेशन AICTE UGC अप्रूव होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है, टू मोटर ऑल इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, एक्सप्लोरिंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्लाइंट हैंडलिंग, बेटर एंड इफेक्टिव आपका सर्विस डिलीवरी, ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एजुकेशन प्रोजेक्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू मीटिंग एंड क्लाइंट मीटिंग विद वेंडर, ठीक है। ये सब आपका रहेगा, यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है तो आप चेक कर सकते हैं। 50 आयु दे रखी है, 15 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट आपका, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस हैंडलिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वर्क इंक्लूडिंग फर्निश एंड इंटीरियर रिनोवेशन वर्क विद मीडियम लार्ज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो सैलरी का स्ट्रक्चर दे रखा है सेम 34 से लेकर आपकी सैलरी रही है, ठीक है। यहाँ पे जॉब के डिस्क्रिप्शन की पूरी डिटेल आ रही है वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मिनिमम आप उसकी जानकारी आ रही है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसी है, वाइस प्रेसिडेंट MBA या HR या MBA पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्री रिलेशनशिप, यहाँ पे डेवलपमेंट इंप्लीमेंट मॉनिटर ओवर HR पॉलिसी स्ट्रेटजी एंड आपका इंटरवेंशन एंड इनिशिएटिव एलिगेट विद द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी दी कंपनी, नेचर ऑफ सपोर्टिव एंड पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, सपोर्ट करंट एंड फ्यूचर बिजनेस नीड थ्रू डेवलपमेंट एंगेजमेंट मोटिवेशन प्रोविजन ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। कंपेंसेशन एंड बेनिफिट मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पूरे डिटेल है उसके बारे में देख सकते हैं। 50 आयु दे रखी है, 15 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर लेवल के आप पर, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर्सनल मैनेजमेंट है। सैलरी सेम रहेगी, बाकी आपकी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इनके बारे में दे रखा है। यहाँ पे आपको CTC में बेसिक प्लस HRA कन्वे मेडिकल LTA PF आपका रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपका जो वैकेंसी 1-1 है, ठीक है, UR कैटेगरी में और सिविल इंजीनियर की OBC में। हाउ टू अप्लाई, इसकी वेबसाइट पर आपको जाकर यहाँ पे आवेदन करना है। 19/3 आपको बिफोर आपको यहाँ पे सिस्टम जनरेट एप्लीकेशन शैल बी सेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आवेदन करना है ऑनलाइन, आपको 1/3 से लेकर 19/3 तक है, ठीक है, जो कि आवेदन करना है एप्लीकेशन। लास्ट डेट आपको फॉरवर्डिंग हार्ड कॉपी सिस्टम जनरेट है वो 26/3 आ रहा है, तो 5 तक आपको आवेदन करना है। तो बाकी आपकी डिटेल है यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आ रहा है इसके में देख सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी थी आपके बारे में, मैंने बताया इस वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड, यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हेल्पफुल है तो प्लीज़ बताएं, ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने धन्यवाद।